Hi friends, welcome to DM classes. In last session we have completed theorem of areas of similar triangles. Now we will start with practice set 1.4. Practice set 1.4. Question number first. The ratio of corresponding sides of similar triangles is 3:5, then find the ratio of their areas. Ratio of their areas. Solution. Let the corresponding sides. Let the corresponding sides of similar triangles be S1 and S2 and S2. Let A1 and A2 be there. Corresponding areas. Therefore, S2 equal to 3:5, because the ratio of corresponding sides of smaller triangles is 3:5. Therefore, S2 equal to 3:5. Therefore, S1 divided by S2 equal to 3 divided by 5, and it is denoted by first equation, and A1 divided by A2 equal to S1 square divided by S2 square by theorem of areas of similar triangles. Areas of similar triangles. Equal to S1 square divided by S2 square means S1 divided by S2 whole square. Equal to S1 equal to 3 and S2 equal to 5. Therefore, 3 divided by 5. Whole square from equation first. Equal to 3 square means 9 divided by 5 square means 25. Therefore, ratio of areas of similar triangles equal to 9:25. Question number second. If triangle ABC is similar to triangle PQR and AB:PQ equal to 2:3, then fill in the blank.
Solution. Area of triangle ABC divided by area of triangle PQR equal to AB square divided by equal to 2 square divided by 3 square equal to 2 square means 4 and 3 square means 9. Therefore, theorem of areas of similar triangle. अब यहाँ देखिए ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर है तो यहाँ आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर. ए बी इंस टू पी क्यू मीन्स ए बी इक्वल टू 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 स्क्वायर एंड पी क्यू मीन्स थ्री स्क्वायर. टू क्यू स्क्वायर टू स्क्वायर इक्वल टू फोर एंड थ्री स्क्वायर इक्वल टू नाइन. देयरफॉर फोर इंस टू नाइन आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड. If triangle ABC is similar to triangle PQR, area of triangle ABC equal to 80 and area of triangle PQR equal to 125, then fill in the blank. Fill in the blanks. Solution. Area of triangle ABC divided by area of triangle equal to 80 divided by 125. Area of triangle ABC equal to 80 and area of triangle PQR equal to 125. यहाँ हमारे पास 125 दिया हुआ है तो 125 किसकी वैल्यू है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की, तो यहाँ आ जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर. इट इज नोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, इट इज गिवन. अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 5 टू जा 25, 5 जा 25, 5 वन जा 5, 5 सिक्स जा 30. तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 16 डिवाइडेड बाय 25. इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर. It is denoted by third equation by theorem of areas of similar triangle. Therefore, AB square equal divided by PQ square equal to 16 divided by 25 from equation second and third. अब यहां देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 25. सेम ऐसे यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू स्क्वायर है. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड की दोनों वैल्यू इक्वल है तो राइट हैंड साइड की इक्वल भी वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी. तो इससे इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से ये दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पर इक्वल बता दिया है. देयरफॉर ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू 16 4 का स्क्वायर एंड 25 5 का स्क्वायर होगा
तो यहाँ पर मैं 16 डिवाइडेड बाय 25 को 4 डिवाइडेड बाय 4 5 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 4 स्क्वायर में 16 एंड 5 स्क्वायर में 25, तो 16 डिवाइडेड बाय 25 को मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, मीन्स ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 4/5 होल स्क्वायर रूट। स्क्वायर से रूट कैंसल, देयरफॉर ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू 4/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एन इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एल एम एन। If QR equal to 20, then find MN. Solution: 9 into area of triangle PQR equal to 16 into area of triangle LMN. It is given 9. Therefore area of triangle LMN divided by area of triangle PQR equal to, अब यहां पर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन के डिवाइड में पी क्यू आर लेकर चलेगा, तो यहाँ 9 बचेगा एल एम इक्वल टू 9 एंड 16 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो 16। एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, 9 इधर ही है, बस 16 को उठा के यहाँ लेकर आ गए, तो 9 डिवाइडेड बाय 16। इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। Now, triangle LMN similar to triangle PQR. It is also given. Therefore, area of triangle LMN divided by area of triangle PQR equal to एम एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू आर स्क्वायर। बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। From equation first and second, MN square divided by QR square equal to 9 divided by 16. क्योंकि equation first and equation second में दोनों में left hand side वाली value equal है, तो right hand side वाली value भी equal होगी, तो right hand side वाली value में MN square divided by QR square equal to 9 by 16. From फर्स्ट एंड सेकेंड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स,
Therefore, MN divided by QR whole square root equal to 3 divided by 4 whole square root, square se root cancel. Therefore, MN divided by QR equal to 3 divided by 4. But we know that QR equal to 20. Therefore, MN divided by 20 equal to 3 by 4. By cross multiplication, MN equal to 20 into 3 divided by 4. 4 and 4, 4 5 ja 20. Therefore, MN equal to 5 3 ja 15. Units answer. या हम डायरेक्ट भी 20 को 3 के मल्टीप्लाई में ले जाकर सॉल्व कर सकते हैं. जैसे अगर हम 20 को यहाँ लेकर जाएंगे तो 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 वन जा 4, 4 फाइव जा 20, तो एम एन इक्वल टू 5 थ्री जा 15 आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स are 225 square meter square centimeter and 81 square centimeter if a side of the smaller triangle is 12 centimeter, then find corresponding side of the bigger triangle. Solution. Let the area of two similar triangles be A1 and A2. A1 equal to 225 square centimeter and A2 equal to 81 square centimeter. Let the corresponding sides of triangles be S1 and S2 respectively. S1 equal to 12 centimeter, therefore A1 divided by A2 equal to S1 square divided by S2 square. By theorem of areas of similar triangles, therefore, A1 equal to 225 square centimeter and divided by A2, A2 equal to 81 square centimeter equal to
s1 square divided by s2 equal to 12 square. By cross multiplication, s1 square into 81 equal to 225 into 12 into 12. 225 into 12 into 12. Therefore, s1 square equal to 225 into 12 divided by 81. 3 2 6, 3 7 21, 3 4 12, 3 9 27, 3 4 12, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15. Therefore, s1 square equal to 25 into 4 into 4. Therefore, s1 square equal to 25 into 4 into 4. Therefore, s1 square equal to 5 into 4 whole square. Taking square root, by taking square root of both sides, therefore s1 equal to 5 into 4, therefore s1 equal to 20, 5 into 4 equal to 20 centimeter. Therefore, the length of the corresponding side of the bigger triangle is 20 centimeter. Question number 6. Triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. If area of triangle ABC is to area of triangle DEF equal to 1:2, and AB equal to 4, find DE. Solution. In triangle ABC and triangle DEF, angle A is congruent to angle D and angle B is congruent to angle E by each angle is measure of is of measure 60 degree. Therefore, triangle ABC is similar to triangle DEF by AA test of similarity. Therefore, area of triangle ABC divided by area of triangle DEF
equal to AB square divided by DE square by theorem of areas of similar triangle. Similar triangles. We know that area of triangle ABC is to area of triangle DEF equal to 1:2 means 1 divided by 2 equal to AB. AB equal to 4 means AB square means 4 square divided by DE square. By cross multiplication, DE square equal to 4 square into 2. By taking square root of both sides, equal to square's root cancel. Therefore, DE equal to 4 into root 2. Answer. Therefore, DE equal to 4 root 2 units. Answer. Thank you. If you like the video, please press the bell icon.